में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत का प्रतीक है ये घर। आ जाइए जाले, अभी हम लोग पता ही नहीं चला मुझे आने में, हम आधे घंटे में पहुंच गए। आज बिजली 24 घंटे मिल रही है, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर सारा काम मंत्री जी कर रहे हैं। आपने सुना डॉक्टर फराज फातमी ने बताया कि किस तरीके से वर्तमान सरकार किस तरीके से काम कर रही है, जाले में कितना प्रगति हुआ। वहीं पे नजीर अहमद अंसारी ने कहा यह गठबंधन कितनी मजबूत है। आपको बताते चले लतरहा गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में बतौर चीफ गेस्ट डॉक्टर फराज फातमी मौजूद थे और नजीर अहमद अंसारी जो पूर्व जिला परिषद सदस्य थे। आपको बताते चले वहाँ पे जमघट लगी थी, जब डॉक्टर फराज फातमी पहुँचे तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की वहाँ पे हमने कुछ खास प्रश्न पूछे जाले के विकास को लेकर के, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का क्या रोल है जाले में और विशेष करके राष्ट्रीय पार्टी बनाने के संघर्ष में किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड आगे बढ़ रही है और क्या यूपी चुनाव में चुनाव लड़ेगी, उसको लेकर के उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। फराज साहब, आज आप लोगों ने जाले में नजीर अहमद अंसारी के घर पर जेडीयू की जो बैठक की है, लेकिन जाले में तो जेडीयू के ना तो कोई लीडर है ना कोई नेतृत्व करने वाला है, फिर इस तरह की बैठक से क्या संदेश जाना देना चाहते हैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को और उनके वोटरों को? देखिए, आज ये बैठक नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल आज लतरहा गांव में ऑर्गेनाइज किया हमारे नज़ीर साहब ने और मुझे इनवाइट किया इसमें कि इस टूर्नामेंट के फाइनल में आपको आना है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से नज़ीर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके पूरे परिवार का। हमारे साथ हबीबुल्ला साहब भी हैं, ज़िला पार्षद तुर्कनैन साहब भी हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं जनता दल यू के, तो जितने हमारे सीनियर कलीग हैं वो तो आपके इर्द गिर्द आप देख ही रहे हैं, ये पुराने ज़िला परिषद हैं हमारे नज़ीर साहब। आज हम लोग उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हैं। जब जनता दल यू का बैठक होगा तो ये बैठक थोड़ी होगा, तो रैला होगा, और जब वो रैला होगा तो आपको खबर होगी उसकी। एक बड़े अभी तो कोविड का माहौल चल रहा है, इस कोविड के माहौल में बैठक कैसे हो सकती है? वो तभी होगी जब कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से जब तय हो जाएगा, सरकार अनाउंस करेगी कि आप कोई पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, एक बड़ी बैठक होगी, बड़ी मीटिंग होगी यहाँ पे। अब बड़े लीडर्स भी आएंगे जनता दल यू के पूरे बिहार से, तो आप उसके लिए थोड़ा वक्त दे दीजिए। पहले दुआ करें कि कोविड ओमिक्रॉन ख़त्म हो, लोग इस त्रासदी से पहले बाहर निकले, तब हम लोग उस बातों को जनता के बीच पे जाएंगे। और यहाँ जनता दल बहुत मजबूत है, किसने कह दिया कमजोर है? और यहाँ ये सीट पे तो बीजेपी हमेशा रही है और जनता दल यूनाइटेड किसी भी तरह से यहाँ से लड़ नहीं पाती, कई बार देखने को मिला। बात गलत है, अभी MLC का ही चुनाव में देखिए शहर का, दरभंगा शहर का बीजेपी ने सीट ले लिया है। देखिए, ये गठबंधन का जो भी मामला है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे ना, हमारे नेता नीतीश कुमार जी तय करेंगे, जो तय होगा जो उनके बीच और उनके अलायन के बीच पे जो हुआ है तय, वो हम लोग को सबको मानना है। तो इसमें बात को हम कौन होते हैं उसको डिसाइड करने वाले, और जब जो चीज़ लीडर ने अनाउंस कर दिया तो उसको फॉलो करना है। अब बाकी आगे की बात, कौन लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है, मैं उसके आगे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जनता दल यू जाले में बहुत मजबूत है, संगठन बहुत मजबूत है, और आगे आपको इसका पता चलेगा जब हम यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ हम लोग जाले के अंदर करेंगे। लगातार जदयू और बीजेपी के लोग भी गठबंधन है, गठबंधन की राजनीति, गठबंधन को फॉलो करना। हमारे लीडर नीतीश कुमार जी, हम सबके लीडर नीतीश कुमार जी, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जो लीडर तय करते हैं उसको हम लोग मानते हैं। और जिस तरीके से बिहार में नीतीश जी की सरकार है, किसी भी समुदाय के, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, अति पिछड़ा हों, दलित हों, महादलित हों, सबके लिए वो काम कर रहे हैं, और इसका नज़ारा आप देख सकते हैं। आप आ जाइए जाले, अभी हम लोग पता ही नहीं चला मुझे आने में, हम आधे घंटे में पहुंच गए। आज बिजली 24 घंटे मिल रही है, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर सारा काम मंत्री जी कर रहे हैं, तो किसी भी समाज को दूर थोड़ी रखें, सभी समाज को सभी सम्मान के साथ आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और जाले प्रगति कर रहा है, जाले के अंदर, जाले में देख रहा हूँ कोई भी रोड नहीं बची है जो विकास नहीं हुआ हो, तो निश्चित तौर पर जो भी काम बचा है नीतीश जी उसको पूरा करेंगे। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, जो नीतीश जी तय करेंगे उसको हम लोग मानेंगे। अली असरफ फातमी साहब को जब माइनॉरिटी का जब काफ़ी बड़ा पद मिला गया, तो उन्होंने पहले इंटरव्यू में कहा था
कि जेडीयू यूपी के चुनाव में भी लड़ सकती है अगर नीतीश कुमार चाहेंगे तो, क्या लग रहा है इस बार जेडीयू चुनाव में लड़ेगी? सभी अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं ललन सिंह जी, 4-5 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने अनाउंस किया है कि जनता दल यू वहाँ पे अपने दमखम पे चुनाव लड़ेगी। तो निश्चित तौर पे, और हमारे वालिद मोहतरम अभी मणिपुर गए हुए थे, परसों लौट करके आए हैं, वहाँ भी जनता दल यू मजबूती से चुनाव लड़ेगी और अकेले अपनी ताकत से लड़ेगी। तो हार और जीत का फैसला तो जनता को तय करना है। पार्टी हमारी नेशनल पार्टी कैसे बने, हमारे नेशनल लीडर नीतीश जी कैसे मजबूत हों देश की राजनीति में, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। और मैं तो शुक्रिया अदा कहूँगा नीतीश जी का भी, उन्होंने प्रदेश महासचिव बनाया, हमारे अब्बा मोहतरम को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो संगठन के लिए जितना काम हो सकता है हम लोग कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि नीतीश जी के हाथ को मजबूत हो सके। यूपी में एनडीए गठबंधन में आप लोग साथ नहीं रहे, फिर क्या कुछ ऐसा हुआ? ऐसा देखिए, ये मत कहिए, हर स्टेट की अलग अलग अलायंस होता है, जहाँ कहीं अलायंस, ऐसा थोड़ी कि हम बिहार में हमारा अलायंस हो सकता है, यूपी में नहीं है, दिल्ली में नहीं था, बंगाल में नहीं था, मणिपुर में नहीं था। तो सब अपने अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे रहते हैं। तो ये मत कहिए, इसको बिहार के संदर्भ में उसको मत देखिए, और यहाँ गठबंधन मजबूत है और नीतीश जी इसके सर्वा हैं और मजबूती से पूरे बिहार को चलाने का काम कर। यानी कभी जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय पार्टी कहलाती थी, लेकिन जिस तरीके से उनके विधायकों को पूर्वांचल में बीजेपी ने अपने तरफ मोड़ लिया, लेकिन नीतीश कुमार ने अली अशरफ फातमी को वो भार दे दिया है कि इसको राष्ट्रीय पार्टी बना के ही छोड़ना है, तो क्या लड़ाई इस 5 राज्यों में जो चुनाव होगा तो उसमें हर जगह चुनाव लड़ेगी? निश्चित तौर पे मिशन ही यही है कि हम अपने दल को नेशनल पार्टी जल्द से जल्द हम बनाएं और हमारे मैक्सिमम लोग चुनाव लड़े जहां भी लड़े, और जो ऐलान हो नीतीश जी का उस पे हम लोग चले। और इस पे सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद यही करेंगे कि जनता दल यू अपने दमखम पे जहां भी उनको होगा वो चुनाव लड़ेगी और अपने कैंडिडेट को उतारेगी और मजबूती से चुनाव। साहब क्यूटी के पूर्व विधायक ही नहीं है, डॉक्टर साहब पूरे प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, एक बड़े पद पे हैं, बड़े ओहदा पे। जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े पद, इतने बड़े ओहदा के लोग आते हैं तो पूरे ब्लॉक के अभी जो कुछ आए हैं वो नेता आए हैं, हमारे वर्कर नहीं। वर्कर का अगर मीटिंग होगा तो तूफान बर्पा हो जाएगा जाले में। जाले पूरा जदयू मय है, पूरी तरह से जदयू के साथ है और सारे लोग डॉक्टर साहब के नाम सुन के आए कि हमारे प्रदेश के लीडर आए हैं। ऐसी बात है, प्रदेश के लीडर हैं तो हम सब लोग आगे हैं, इनके साथ हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। अभी क्रिकेट टूर्नामेंट की वजह से हमने अपने प्रदेश के नेता को दावत दिया, शुक्रिया इनका, तहे दिल से शुक्रिया कि आए। और हमारे हबीबुल्ला साहब जिला परिषद सदस्य महोदय हैं, हमारे करनैन बाबू हैं जिला परिषद सदस्य हैं, हमारे मौलाना मुजक्किर साहब हैं, भाई चमचम साहब हैं, तमाम लोग लीडर हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे बुनकर प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, सारे लोग डॉक्टर साहब नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, तो सारे लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे अपने आप को? सब लोग पहुँच गए हैं, सब लोग हैं साथ। क्रिकेट मैच हो रहा है, इसमें किस तरीके की आप लोगों ने कार्यक्रम रखा, तैयारी रखा है? क्रिकेट मैच यहाँ लोग बच्चे लोग खेल रहे हैं, इन लोगों की ख्वाहिश हुई। क्रिकेट जो है ना, ये समाज में जोड़ने की एक कड़ी है, क्रिकेट से समाज को जोड़ा जाता है, समाज में जोड़ने की एक कड़ी है। हम लोग जो आए हैं, बच्चे लोगों की ख्वाहिश हुई, बच्चा लोग क्रिकेट के बारे में खेले, आज फाइनल है, ख्वाहिश हुई, तो हमने अपने प्रदेश के नेता को गुजारिश किया कि तशरीफ ले चलिए मेरे यहाँ, बच्चों की ख्वाहिश है और हमारे प्रदेश के नेता के सामने है, हम लोग सब लोग कदम में कदम मिला के इनके साथ हैं। तो जाले में यूँ मान लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड वाकई में मजबूत है पूरी तरह से। बस आने वाले दिन में हमारे डॉक्टर साहब कह चुके हैं कि कोविड का प्रकोप जब खत्म होता है, कमजोर नहीं बिहार में। आपको लगता नहीं कि नीतीश जी की सरकार जो चल रही है कितनी मजबूती से चल रही है? लेकिन आपस में हमेशा गठबंधन में लड़ाइयाँ होती रहती है, एक तरफ से दोनों पार्टी के अध्यक्ष एक दूसरे पे। बात आप बताइए जरा सा, जब एक भाई, मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत का प्रतीक है ये खटपट,